सर 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 जस्ट अ मिनट सर जस्ट अ मिनट सर एक मिनट क्या के लिए जी सर आज का दिन हमने जो यहाँ का सबसे नंबर वन सिंगल सेंसेशन है उसको सेलेक्ट किया है। मुझे यकीन है वो हमारे देश के लिए और पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा गाना गाएगा और अपना पूरा नाम कमाएगा। और ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ जिसके थ्रू ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू कई बच्चों को मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का। जो बच्चों को सक्सेस नहीं मिला है, नंबर वन भी नहीं आए, हम ये कोशिश करेंगे कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी आगे मिले। सर सर अभी भी यहाँ पे शुभियाम में 10 से ज़्यादा अनरिलेटेड एक्टिव है, तो क्या मैसेज रहेगा? देखिए जो हमारे यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं या टेररिस्ट हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि ये अपना घर वापस आओ और देश के एक अच्छे नागरिक बनो। ये जो लोग आपको दिमाग खराब करते हैं, जो सफ़ेद पोश दर्शन करें, उनसे बचो। उनके परिवारों को देखो जिन्होंने आपको टेररिस्ट बनाया है, वो परिवार कहाँ जा रहा है और आप कहाँ जा रहे हो। अपने माँ बाप को देखो, आप अपने एक माँ बाप का सहारा हो, हमारे देश का सहारा हो। ये हथियार हथियार को छोड़ो, वापस आओ। 17, 18, 19 साल, 20 साल में किसी के आदमी के समझ में नहीं होती है। 25-26 सवाल के बाद में आदमी को समझ में आता है कि एक आइडियोलॉजी क्या चीज़ होती है। इन सब चीज़ों से बचो और अगर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई और इशू है, आप अपने परिवार के अंदर मसला सॉल्व करो। कोई मुश्किल है हमारे पास आओ, हम आपको सही रास्ता दिखाएं। सर आपने कहा व्हाइट कॉलर टेररिज्म, तो कितना चैलेंजेबल है ये व्हाइट कॉलर? जो देखिए व्हाइट कॉलर टेररिस्ट तो एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक टेररिस्ट मरता है दूसरा वो पैदा कर देता है। और टेररिस्ट को तो मारना कितना 2 महीने, 3 महीने के 4 महीने में एक बेचारा यूथ जो हथियार उठाता है वो मारा जाता है। मगर ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, बैठ करके आइडेंटिफाई करो कौन बच्चा है जिसके घर में अपने माँ बाप से लड़ाई है, किसको ड्रग का प्रॉब्लम है, कौन फेलियर है क्लास के अंदर, किसके अंदर दिमाग के अंदर गफलत है, उसको उठाओ और फिर आइडेंटिफाई करो, इसका दिमाग खराब करो और उसके हाथ में एक गन दे करके उसको टेररिस्ट बना दो और उनका बच्चा उनका परिवार अच्छा फलता फूलता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा। तो हमको ये सोचना है जब तक ये माँ बाप जो टेररिस्ट बनने वाले हैं बच्चे उनके पास जाकर के पूछेंगे नहीं कि तुम अपने बच्चे को भी टेररिस्ट बनाओ, तब तक ये चीज़ काबू नहीं आएगी। ये जो सोसाइटी है उसको काबू करना है। इस साल काफ़ी कम टेररिस्ट बने और मुझे यकीन है कि अगले साल और कम बने, ये धीरे धीरे चीज़ कंट्रोल होगी। मगर हम सबको मिलजुल के काम करना है, ये सिर्फ आर्मी और पुलिस का काम नहीं है, सोसाइटी का भी।